या सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेट, आप लोगों के यहाँ सही चल रहा है? गुड मॉर्निंग, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? हेलो, तैयारी कैसे चल रही है? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? हेलो, तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है मैं पूछ रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और जो है, कितना ज़्यादा मत पढ़िए, केवल जो है 3 घंटे अगर आप पढ़ लें तो बहुत है। चलिए, जो कुछ कोट्स बाकी रह गए हैं, और आज 7 फेमस सालिलोकी की भी चर्चा हो जाएगी। Above all, be honest to thyself and follow it night and day, and then thou canst be false to anyone. स्टेटमेंट है पोलोनियस का कि व्यक्ति को स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और ये ईमानदारी की नीति का दिन रात अनुसरण करना चाहिए। देन thou canst be false to anyone. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह किसी के भी प्रति गद्दार या झूठा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अगर बुद्धि चातुर्य की बात की जाए, बुद्धि कुशलता की बात की जाए, तो ब्रेविटी कहते हैं संक्षिप्तता को। संक्षिप्तता वास्तव में किसी भी भाषण की आत्मा होती है। बुद्धि चातुर्य का प्रदर्शन शब्दाडंबर से नहीं होता है, बल्कि जो ज्ञानी लोग हैं बहुत कम शब्दों में बहुत अर्थपूर्ण बातें करते हैं। डाउट दैट स्टार्स आर फायर, ये स्टेटमेंट है हेमलेट का, ओफिलिया से कहता है। ये संदेह किया जा सकता है कि नक्षत्र आग हैं। डाउट दैट सन इज मून, सूरज चांद हो सकता है, इस पर संदेह किया जा सकता है। एंड ट्रुथ बी लायर, सत्य झूठा हो सकता है, इस पर भी संदेह किया जा सकता है। बट नेवर डाउट आई लव, वास्तव में दो अर्थी भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, अर्थात प्रेम करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ, दोनों अर्थ निकल रहे हैं। अगला है कि वी नो व्हाट वी आर, हमें ये तो पता है कि हम क्या हैं, बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, लेकिन हम क्या हो सकते हैं इसके बारे में कोई भी व्यक्ति जानता नहीं है। ओफिलिया का स्टेटमेंट है, देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। हेमलेट का स्टेटमेंट कि एक अदृश्य नियति है जो हमारे जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण करती है। देयर इज नथिंग गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। हेमलेट का स्टेटमेंट, दुनिया में ना तो कोई चीज अच्छी है और ना ही बुरी है, हमारे चिंतन किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाते हैं। हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा मानती है। रेस्ट इज साइलेंस, ये आखिरी स्टेटमेंट है हेमलेट का। अब जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वो 7 सालिलोक्वीज है। आप लोग नोट कर लिए हों तो मैं सालिलोक्वीज को लिखता जा रहा हूँ, और साथ में ये कौन कौन बोल रहे हैं? हेलो, अच्छा 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 अच्छा
नोट कर लें तो फिर बोल दें। सोलिलोक्वीज़ बाय हैमलेट। पहली सोलिलोक्वी है फ्रॉम एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। कुछ एग्जाम में ये पूछ लिए गए हैं। ओ दैट दिस टू टू सॉलिड फ्लैश ओ दैट दिस टू टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट thaw and resolve itself into dew. And resolve itself into dew. Are that the everlasting? साथ साथ नोट भी करते चले जाएं। और दैट द एवर लास्टिंग हैड नॉट फिक्स्ड हिज कैनन हैड नॉट फिक्स्ड हिज कैनन Against self-slaughter, लंबी है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। ओ गॉड हाउ वेरी एंड स्टील How weary and still flat and unprofitable Flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. All uses of this world. फिर थोड़ा सा डॉट कर लें। Frailty, thy name is woman. Frailty, thy name is woman, a little month or else.
अ लिटिल मंथ आर एल्स दोज शूज वर ओल्ड विद विच शी फॉलोड माई पुअर फादर्स She followed my poor poor father body. नोट कर लें इसे, नोट हो जाए तो तुरंत बता दीजिएगा. क्या इसका मतलब भी बताना होगा डियर? चलिए आप लोग कोशिश कीजिए भैया. वास्तव में ये शालिलोकी, हेलो, हैमलेट तब बोलता है जब गर्ट्रूड विवाह कर लेती है एक महीने से कम समय में भी क्लॉडियस से. तो इस हेस्टी मैरिज के ऊपर काफ़ी ग्लूमी और सारोफुल हो जाता है. हैमलेट कहता है कि वो दैट दिस टू टू सॉलिड फ्लेश, ये ठोस हार्ड मांस का जो पुतला है गर्ट्रूड, उसका गोश्त या मांस मेल्ट कास पिघल जाता एंड रिजॉल्व इट सेल्फ इनटू ड्यू. थॉ का मतलब होता है वेरी सून. एंड रिजॉल्व इट सेल्फ इनटू ड्यू, कास की वो पिघल करके ओश की बूंदों में बदल जाता. आर दैट एवर लास्टिंग हैड नॉट फिक्स्ड हिज कैनन अगेंस्ट सेल्फ स्लॉटर. एवरलास्टिंग का यहाँ पर जो कभी समाप्त ना हो, अर्थात ईश्वर, क्या अपने नियमों में एक नियम नहीं बनाया है कि व्यक्ति जब भी अपमानजनक स्थिति में हो तो सेल्फ स्लॉटर, आत्महत्या कर ले. ओ गॉड, हाउ वेरी एंड स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड. हे परमेश्वर, ये दुनिया कितनी उबा देने वाली और बासी हो चुकी है, बिल्कुल फ्लैट, सपाट, नीरस और अनप्रॉफिटेबल, जिसमें कोई लाभ ना हो. दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मेरे लिए नीरस, बेजान, बासी और उबाहट पूर्ण हो चुकी हैं, हानिकारक हो चुकी हैं. फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमन. फ्रेलिटी कहते हैं कमजोरी को. कमजोरी का दूसरा नाम औरत है. अ लिटिल मंथ और एल्स, अभी एक महीने का भी वक्त नहीं गुजरा कि दोज शूज वर ओल्ड, कि शूज का मतलब यहाँ पर जूता नहीं है, बल्कि मेरी माँ अर्थात गर्ट्रूड, जो अभी पिताजी के नक्शे कदम पर एक महीने पहले चलती थी, विच शी फॉलोड बाई पुअर फादर बॉडी, अब वो जूते पुराने हो चुके हैं और नए जूते को धारण कर लिए है, अर्थात बहुत जल्दी अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसने सबसे ज़्यादा बदकार और बेईमान हत्यारे क्लॉडियस से शादी कर लिया. मिटा रहे हैं, दूसरा है, सेकंड सालिलोकी. सेकेंड साली लोकी है एक्ट फर्स्ट सीन फाइव से.
ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, ओ अर्थ, or what else and shall I couple hell o villain villain smiling villain ओ विलेन विलेन स्माइलिंग विलेन दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन वन मे स्माइल एंड बी अ विलेन Now to my word, it is adieu. To my word, adieu. Remember me. I have sworn the time is out of joint the time is out of joint O cursed spite, that ever I was born to set it right. I was born to set it right. O all you host of heaven, heaven का मतलब स्वर्ग नहीं बल्कि आसमान आसमान के जितने भी जो दुनिया भर के चांद सूरज सितारे हैं वो गवाह बने हाँ जी क्लाडियस के बारे में है ओ अर्थ धरती गवाह रहे और व्हाट एल्स एंड शैल आई कपल हेल और क्या भी हो सकता है क्या मैं कपल का मतलब होता है जोड़ा बनाना अर्थात मिलना क्या मुझे अब नर्क से भेंट करनी होगी ओ विलेन विलेन स्माइलिंग विलेन ये हंसता हुआ खलनायक दैट वन मे स्माइल एंड बी ए विलेन कोई व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान धारण कर सकता है लेकिन भीतर वो खलनायक जैसा दुष्ट व्यक्ति का दुष्ट अपनी दुष्टता को छुपाए रख सकता है टू माई वर्ड मैं शपथ लेता हूँ आड्यू अब इन सब सारी चीज़ों को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है रिमेंबर मी आने वाली पीढ़ियाँ मुझे याद रखें आई हैव श्वोर्न मैंने कसम ली है द टाइम इज़ आउट ऑफ ज्वाइंट ये समय जो वर्तमान स्थिति में बिखरा बिखरा है
अर्थात समय प्रतिकूल है, समय की गति उल्टी हो चुकी है, ओ कर्स डेस्पाइट अभिशप्त और घृणित आत्मा, दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, कि मेरा जन्म ही हुआ है कि ये जो वक्त जो आउट ऑफ ज्वाइंट है इसको मैं सही दिशा में अर्थात समय को सही गति प्रदान कर सकूं, सही दिशा में। नेक्स्ट मिटा रहे हैं, थर्ड सॉलिलोक्वी है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड सीन। एक्ट सेकंड और सीन सेकंड, एम आई ए कावर्ड, हु कॉल्स मी कावर्ड, break my pit across break my pit across pluck off my beard and blow it on my face, peace most brave, peace most brave, that I the son of a dead father murdered now I am alone what a rogue and pleasant slave I am What a rogue and pleasant slave I am. What Hecuba to him? What Hecuba to him? Or he to her, thus he should weep for her. Play is the thing. Wherein I will catch the conscience of the king.
wherein I will catch the conscience of him. नोट कर लें, मतलब भी बताना होगा। चलिए, एम आई कावर्ड शालिलोकी, तीसरी शालिलोकी में हेमलेट ये कहता है कि क्या मैं कायर हूँ, लेकिन कौन मुझे कायर कह सकता है? अगर ऐसा है तो ब्रेक माई पेट ए क्रॉस। तो पेट कहते हैं विषयज को, चेहरे को, तो मेरे चेहरे पर घूसे बरसाए जाएं, प्लक ऑफ माई बियर्ड, मेरी दाढ़ी नोच ली जाए, एंड ब्लो इट ऑन माई फेस, और मेरे चेहरे पर ही से फूंक दिया जाए। पीस, अब खामोशी। मोस्ट ब्रेव दैट आई एम, कौन कहता है मैं कायर हूँ, मैं एकदम बहादुर हूँ। आई ए सन ऑफ डेड फादर मर्डर्ड, मैं उस मृत पिता का बेटा हूँ जिसकी हत्या की गई है। नाउ आई एम अलोन, अब जबकि मैं अकेला हूँ। व्हाट ए रोग एंड प्लेजेंट स्लेव आई एम, मैं भी कितना दुष्ट और इंद्रिय सुखों का गुलाम हो चुका हूँ। व्हाट है क्यूबा टू हिम, याद रखना ये मर्डर ऑफ गोंजागो से है, मर्डर ऑफ गोंजागो। ये वास्तव में जो एक नाटक कंपनी आती है और गिल्डन स्टर्न और रोशन क्रेंज उन नाटक कंपनी को बुला करके ले आते हैं। हाँ जी, हाँ यही, हाँ वही जो है क्यूबा, वास्तव में प्रियम की पत्नी थी है क्यूबा, वही प्रियम जो ट्राई का राजा था। उसमें ये दिखाया जाता है कि ठीक उसी तरह से हेक्यूबा के पति की भी हत्या की जाती है जिस तरह से क्लाडियस ने सीनियर हेमलेट की कान में जहर डालकर के हत्या की थी। तो वो ये देखना चाहता है कि व्हाट हेक्यूबा टू हिम, मैं नाटक में जो नाटक के पात्र हैं, जो डायलॉग बोलेंगे और मंचन किया जाएगा, कि हेक्यूबा किस तरह से प्रियम के लिए रोती है, क्या प्रियम भी है क्यूबा के लिए रोता है? प्ले इज द थिंग, ये नाटक ही वो चीज़ होगी, माध्यम होगा, वेर इन आई विल कैच द कॉन्शियंस ऑफ हिम, जिससे कि मैं क्लाडियस के अंतर मन में छुपे हुए अपराध बोध को पढ़ सकूंगा, मिटाऊं इसे। नेक्स्ट है फोर्थ शालिलोकी। हाँ लेकिन थोड़ा सा जोड़ लेना, ये शालिलोकी खत्म कर ले, अभी कल और चलेगा ये हेमलेट। टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये शालिलोकी एक्ट थर्ड के सीन फर्स्ट में है। और ये भी पूछा गया है नेट में कि इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 56 लाइंस हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 56 है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। We end the heartache
वी एंड द हार्ट एक एंड द थाउजेंड नेचुरल शॉक्स And even the thousand natural shocks that flesh is heir to, no traveler returns No traveler returns from the unknown bourn. Puzzle the will. And makes us rather bear those ill rather those ills we have नोट कर लें और ये भी याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा गया है कि विच इज द की स्टेटमेंट ऑफ हैमलेट तो ये है की स्टेटमेंट नहीं ओपनिंग लाइन नहीं है ये की स्टेटमेंट है द होल इवेंट The whole event of the play is based on it. अगर देखा जाए तो to be or not to be ये ऐसा ही statement है जिसके ऊपर पूरी की पूरी घटना नाटक के आधारित है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और 130 interpretation इसके दिए गए हैं 130 interpretations. आगे बढ़ें देखो बेटा समय हो गया है क्या कितने मिनट हैं अभी चलो ठीक है दो मिनट जो है मिटाएं दोस्त आगे बढ़े बस तो एक मिनट बचा हुआ है और फिर अभी जोड़ लें बोलिए क्या चीज क्वालिफाई क्या आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों की हेलो
ठीक बेटा, दोबारा जो है जो ऐड कर लो। नोट कर लिया हूँ तो फिर जो है फिफ्थ सालों की। ओके थैंक यू भाई। हाँ जी बोलें। फिफ्थ सोलिलोक्वी है और ये सोलिलोक्वी देयर इज सोलिलोक्वी एक्ट एक्ट फोर्थ और किस सीन से है इसके बारे में पता नहीं है, कल बता दूंगा इसके संबंध में। इट्स नाउ वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट। Time of night when churchyard yawns yawns कहते हैं अंगड़ाई लेने को and hell itself breaths out। Hell itself breaths out। Contagion to this world। Contagions to this world। Now could I drink hot blood? Could I drink hot blood and do such bitter business as the day? Let me be cruel। Let me be cruel, not unnatural। I will speak daggers to her। I will speak dagger to her but use none। Note कर लें। मिटा दे रहे हैं।
सिक्स थे सारी लोग। नाउ माइट आई डू इट पैट पैट कहते हैं राइट नाउ, ठीक अभी तुरंत। नाउ ही इज प्रेइंग, नाउ ही इज प्रेइंग एंड नाउ आई डू इट ही विल गेट टू हेवन। He'll go to heaven. And so, am I fully revenged? A villain kills my father. A villain kills my father, and for that I His sole son do the same to send him heaven. I will do it when he is drunk. I will do it when he is drunk or in his rage. Or in incestuous pleasure. Incestuous pleasure of bed. Then trip him. और लास्ट वाले लोग की नोट कर लें, फिर इसके बाद आखिर के सारे लोग की। नोट कर लिए हैं अजय? इनसेस्टुअस है, कामुकतापूर्ण, व्यभिचारपूर्ण। हाँ जी, आवाज आप लोगों की सुनाई ढंग से नहीं पड़ रही है। क्या चीज? आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं सुनाई पड़ रही है। आप ये बता दें कि क्या करना है। क्या बता दूं? देखो बेटा, कुछ लोग लिख रहे हैं क्या?
ये बेटा क्वेश्चन मार्क है, ये दो के बारे में मुझे पता नहीं है किस एक्ट और किस सीन से लिए गए हैं। थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए एक्ट और सीन, ये क्वेश्चन मार्क है और मैं गलत नहीं बता सकता। अगर ऐसे ही जो है तुक्के में बताऊं और वो गलत हो तो अच्छा नहीं होगा। चलिए फिर लास्ट वाले लोग भी हैं, एक्ट फोर्थ सीन फोर्थ से है। ये एक्ट फोर और सीन फोर से ली गई है। हाउ ऑल ऑकेजन्स डू इन फार्म अगेंस्ट मी, डू इन फार्म अगेंस्ट मी, and is per my dull revenge, what a man if he chief good, if he is chief good, and market of his time, and market of his time be but to sleep and feed, looking before and after, looking before and after gave us not, that capacity and capability godlike reason to just in us unused, ये सातों सारे लोग ही हो गई हैं डियर, और कल जो है मिलते हैं।